फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज दिवाली है पर कोई भी ब्लॉग नहीं है क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पे कोई है नहीं। और अभी तक जितने भी ब्लॉग मैंने ससुराल में बनाए हैं वो मैंने खुद से शूट किया है। कोशिश करूँगी कि शायद मैं थोड़ा बहुत अगर कर सकूँ तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं सबको शुभकामनाएँ देती हूँ दिवाली की, कि बहुत सारी खुशियाँ मनाएं, सेफ दिवाली मनाएं। वैसे पटाखे ना ही जलाएं तो अच्छा ही होगा। और अभी ये शाम के बज रहे हैं 4 और अभी मुझे टाइम मिला है ये वीडियो शूट करने का, उसके लिए सॉरी। और एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहूँगी कि करवा चौथ का व्लॉग जो है वो मैं अच्छे तरीके से नहीं बना पाई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है और बड़ी मुश्किल से छोटी सी क्लिप मैं शूट करवा पाई किसी से, तो वो मैंने शेयर कर दी थी। बाकी मैंने फ़ोटोज़ आप लोगों से शेयर की थी, अगर हो सके तो इस बार भी मैं फ़ोटोज शेयर करूँगी आप लोगों से। और वीडियो शूट करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाता है यहाँ पे, क्योंकि मैं अकेली पड़ जाती हूँ और यहाँ पे कोई नहीं है जिसे मैं बोल सकूँ कि वीडियो शूट करें। और अकेले जाहिर सी बात है कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं इसलिए आप मुझे शॉल में देख पा रहे होंगे, बहुत ठंडी लग रही है। और दिवाली जैसे नॉर्मली घर पे होती थी वैसी नहीं है, बहुत अलग है। घर को काफ़ी मिस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और ऐसे टाइम पे घर की याद आना तो जाहिर सी बात है पहली ऐसी दिवाली जिसमें मैं घर पे नहीं हूँ। ये भी घर ही है पर जाहिर सी बात है पहली बार ऐसा हो रहा है तो थोड़ा तो याद आएगी ही घर की, तो थोड़ी नहीं बहुत याद आ रही है मुझे घर की। और सच बोलूँ तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, पर क्या करें ऐसा ही होता है, तो बस एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये व्लॉग आप लोग को दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए मैं शूट कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। और फिलहाल मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं और भी कुछ शेयर कर सकती हूँ या फिर करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। फ़ोटोज़ मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों से शेयर कर सकूँ। और करवा चौथ वाले ब्लॉग के लिए सॉरी गाइस, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई और आप लोगों से नहीं शेयर कर पाई कि मेरा करवा चौथ फर्स्ट करवा चौथ कैसा था। जो फ़ोटोज़ मैंने ली थी वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हैं। दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप सभी को, ये दिवाली आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं तैयार हुई और मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ। ये मैंने शादी की साड़ी पहनी है, एक्चुअली इसे मैं शादी हुई थी तो उन्होंने बोला कि शादी की साड़ी पहन लो, तो आज मैंने ये साड़ी पहनी है। वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई पूजा का, उसके लिए सॉरी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं अकेली हूँ, शूट करने के लिए कोई नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वो थोड़े कैमरा शाई हैं, कभी कभी वो शूट में आ जाते हैं मेरे व्लॉग में, लेकिन इस टाइम शायद वो कंफर्टेबल नहीं है इसलिए नहीं आना चाहते हैं। हाँ, उनके साथ ही कुछ फ़ोटोज़ ली हैं वो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से तैयार हुई हूँ, ज़्यादा कुछ किया नहीं है मैंने, सिंपल से सब कुछ कर लिया थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में, क्योंकि काम भी था और तैयार भी होना था, पूजा भी करनी थी, दिए भी लगाने थे, तो वो सब हमने कम्प्लीट कर लिया है और अभी बस घर में है, पूजा कम्प्लीट हो गई है। और बस सबको हैप्पी दिवाली, बाय गाइज़।